मिलावटी घी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और लोगों की जान पर खतरा बढ़ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने घी को लेकर बड़ी पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। कई नामी ब्रांड के घी सैंपल जांच में फेल पाए गए। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिलावटी घी का कारोबार लगातार फल फूल रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने पिछले 2 साल से अधिक के समय के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें सरकारी एजेंसी ने इन घी के सैंपल लिए, जिसमें कई घी की कंपनियों के सैंपल फेल हो गए। लेकिन आज भी वो कंपनियां घी के मिलावटी के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया ने मिलावटी घी को लेकर पर्दाफाश के लिए एक बड़ी पड़ताल शुरू की, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही जिलों से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए सैंपल रिपोर्ट को खंगाला गया, जिसमें सामने आया कि कई नामी ब्रांड की कंपनियों के घी के सैंपल फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी नामी ब्रांड की कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य से खुले आम खिलवाड़ कर रही। बात अगर 2021 की ही करें तो कई नामी ब्रांड के घी के सैंपल फेल हुए। नमस्ते इंडिया, मिस ब्रांड, श्री शक्ति भोग, भूमि घी और या घी का सैंपल हुआ फेल। डेरी बेस्ट घी, कृष्णा घी, द्वीप प्रीमियम वेजिटेबल ऑयल, काऊ घी, माधव घी, वसंत घी, डेरी अनमोल घी, एवरी डेरी, मधुवन घी, डोडला ब्रांड घी। डेरी बेस्ट हास्य, काऊ, तस्य, वास्तु, सम्राट, महावीर, हरमन प्लस, डेरी मिल्क, हरियाणा किंग, कॉम्फी मिल्क क्रीम, मिल्क फूड घी, औषधि घी, कृष्णम घी, ओम गजानन घी, अमिधारा, पालीवाल, केशक घी। सिरोही जिले में लगातार जो फूड की सैंपलिंग है वो जारी रहती है और 1 अप्रैल से लेके अभी तक 160 सैंपल लिए गए, उसमें 145 की हो गई है रिपोर्ट और उसमें से भी मिस ब्रांड 11 है, सब स्टैंडर्ड 21 है, अनसेफ 2 है। तो जो सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड आते हैं वो ADM साहब के यहाँ पे उसकी फाइल पेश करते हैं और अनसेफ आता है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे पेश करते हैं। तो लगातार हमारी तरफ से प्रयास FSO और इसकी टीम के द्वारा जारी रहता है। घी के कई नामी ब्रांड आमजन के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से लिए गए सैंपल में डेरी बेस्ट घी नामी ब्रांड अनसेफ तक आ गया, जिसका मतलब है कि ये घी खाने योग्य तक नहीं है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इससे दो हमारे जिला स्तर पर कमेटी की मीटिंग हो गई है और उपखंड स्तर पर हमारी कमेटी बनाई गई है। जो हम टीम के सदस्य हैं वो सब जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार 1 तारीख से हम ब्लॉक वाइज अलग अलग एरिया में अलग टीम समय भेजेंगे और रैंडम औचक रूप से जहाँ भी जरूरत होगी सैम्पलिंग करेंगे। घी की भी हम बात करें तो जो हमारी फूड लैब है, फूड लैब हमने अपग्रेड करके इसको जो NABL एक्रेडिशन है, ये एक्रेडिशन भी हमने इसको प्राप्त कर लिया है और जो इसकी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स इसकी काफ़ी NABL एक्रेडिशन होने के बाद में इसकी काफ़ी सर्टिफाइड होगी और इसकी जो मान्यता है वो मान्यता की भी मान्यता के अंदर भी इसकी बढ़ोतरी होगी। डेरी बेस्ट घी हाल में एक बार फिर सैंपल में सब स्टैंडर्ड आकर सैंपल फेल हो चुका है, लेकिन डेरी बेस्ट घी लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ नहीं रोक पा रहा। मिलावटी घी के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ आखिर कब रुकेगा, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारी सिस्टम चेतेगा और मिलावटी घी के कारोबार पर नकेल कसेगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पूरी तरह रुक सके। कैमरामैन विष्टु के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।